गुड इवनिंग स्टूडेंट, टुडेज़ टॉपिक लॉगरिथम, क्लास 9th, एक्सरसाइज 8B। इससे पहले का सिलेबस जो है ना, सब कोचिंग में करा चुके थे। आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8B, क्वेश्चन 7th। इसमें था सॉल्व फॉर द एक्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज लॉग एक्स माइनस 10 टू द बेस 10 इक्वल टू 1। इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ लॉग रिमूव करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो लॉग बताया भी था, रिमूव करना ऐसे होता है log a बेस b टू द c। अगर ऐसे कहीं लिखा हुआ तो इसे log रिमूव करने के लिए ये करते हैं, बेस को बेस की जगह पे लिखते हैं, c ट्रांसफ़र इस साइड कर लेते हैं, इक्वल टू में क्या पहुंच जाएगा a। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 10 तो ये बेस में ही रहेगा, पन पावर में आ जाएगा, इक्वल में हो जाएगा x माइनस 10। यहाँ हुआ था 10 पावर 1, 10 ही रहता है, इक्वल में x माइनस 10। 10 ट्रांसफ़र कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, 10 प्लस 10 कितना हो जाएगी, ये 20 इक्वल टू एक्स। दिस इज अवर फर्स्ट आंसर। नाउ दिस इज अवर सेकंड पार्ट ऑफ 7th क्वेश्चन, लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 21 इक्वल टू। इस क्वेश्चन में बेस नहीं लिखा है, बताया था जब बेस नहीं लिखा होता वहाँ बेस कितना होता, 10 अंडरस्टो। तो यहाँ बेस 10 ले सकते हैं, सेम प्रोसेस यहाँ भी रिपीट करनी है। यहाँ भी हम लोग को करना क्या था, लॉग को पहले रिमूव करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, आफ्टर दैट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो 10 बेस में रहेगा, पावर में 2 आ जाएगा, सेम यहाँ के जैसे पावर में 2 आ गया, इक्वल में जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 21। 10 पावर 2 100 हो जाता है, इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 21। 21 जब राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 121, इक्वल एक्स स्क्वायर 100 प्लस 21 इक्वल टू 121, इक्वल में रहेगा एक्स स्क्वायर। स्क्वायर रिमूव करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, रूट हो जाएगा, रूट 121 इक्वल एक्स स्क्वायर, एक्स बचेगा यहाँ से, और 121 कितना होता है, इक्वल टू 11 होता है, रूट 121 11 हो जाता है, तो 11 इक्वल टू एक्स, और एक्स इक्वल टू 11। दिस इज अवर सेकंड आंसर। दिस इज अवर 7th थर्ड पार्ट, लॉग एक्स माइनस 2 प्लस लॉग एक्स प्लस 2 इक्वल टू लॉग 5। इन दिस क्वेश्चन वी यूज द फार्मूला लॉग एम प्लस log n इक्वल log m इंटू n, प्लस के टर्म्स मल्टीप्लाई में आ जाते हैं। सो यहाँ log m प्लस log n, अगर इस फार्मूले का यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा log m n। यहाँ लिखेंगे हम लोग log x माइनस 2 मल्टीप्लाई x प्लस 2 इक्वल, ये हो जाएगा log 5। दोनों साइड से log लिखा था तो एंटी log लेने पे log रिमूव हो जाएगा, यहाँ बचेगा x माइनस 2 एक्स प्लस 2 इक्वल 5। यहाँ लगेगा फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फार्मूला यहाँ लिख देते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है इक्वल टू में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ है ए माइनस बी, ए प्लस बी हो जाएगा ए स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर, इक्वल में आ जाएगा 5। एक्स स्क्वायर रहेगा, 2 स्क्वायर 4 होता है, इक्वल में 5। 4 ट्रांसफ़र करेंगे इधर आके, 4 प्लस 5 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 4 प्लस 5 9। स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 3। दिस इज अवर 7th 4th पार्ट, लॉग एक्स प्लस 5 प्लस लॉग एक्स माइनस 5 इक्वल 4 टाइम्स लॉग 2 प्लस 2 टाइम्स लॉग 3। सबसे पहले यहाँ देखते हैं, यहाँ log m प्लस log n का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, बीच में प्लस का साइन दिया गया है तो यूज़ करते हैं। अभी हम लोगों ने लिखा भी था फार्मूला, लिखा था फॉर्मूला क्या होता है, log m प्लस log n इक्वल हो जाता है log m इंटू n, ये यूज़ करते हैं। तो यहाँ ले सकते हैं log x प्लस 5 इंटू x माइनस 5 इक्वल्स। अब देखो यहाँ एक नया फार्मूला यूज़ करते हैं, हम लोग जानते थे फार्मूला था ये वाला log m टू द पावर n, पावर क्या रहती है लॉग के स्टार्ट में आ जाती है, पहले आती है, तो ये बन जाता है n log m। हम लोग को ना यहाँ इस फॉर्मूले को रिवर्स करना है, अगर पावर बाहर लिखी हुई है तो क्या होती है पावर इधर आ जाएगी, पावर कहाँ जाएगी m के ऊपर लगेगी पावर यहाँ, तो अगर n log m टाइप है इसका आंसर हो जाएगा log m पावर n। ये n कहाँ जाएगा, n आ जाएगा m की पावर में। वैसे यहाँ ये 4 कहाँ जाएगा, ये 4 आ जाएगा 2 की पावर में, और ये 2 आ जाएगा 3 की पावर में। लिखते हैं यहाँ, ये हो जाएगा log 2 पावर 4 प्लस log 3 पावर 2, ये 2 इस पावर में आ गया, ये 4 यहाँ पावर में आ गया इस वाले फार्मूले से, ठीक है ना। अब यहाँ ले लेते हैं 2 की पावर 4 कितना होता है, ये 16
तो लॉग 16 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है ना 9, ये लॉग, यहाँ फिर से भी फॉर्मूला आ गया, लॉग एम प्लस लॉग एन हो जाता है लॉग एम इंटू एन, ये हो जाएगा लॉग 16 इंटू 9। यहाँ लिखते हैं लॉग, यहाँ लिखा था फार्मूला बताया था अभी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माने फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, यहाँ द्वारा फिर से लिखते हैं तो लॉग ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25, 5 स्क्वायर 25, बोथ साइड में लॉग लॉग लिखा हुआ है, दोनों जगह बेस 10 भी लिखा हुआ, अभी बताया था अगर बेस नहीं लिखा होता है तो बेस 10 होता है, वहाँ पर स्टैंडर्ड है ये। तो यहाँ दोनों साइड में लॉग भी है बेस 10 भी है, ये क्या हो जाएगा एंटी लॉग लेने से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 16 इंटू 9 16। अब यहाँ द्वारा फिर से लिखते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल 16 इंटू 9, ये 25 ट्रांसफ़र करेंगे इधर, जब इस साइड आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा प्लस 25। अब यहाँ के बाद एक्स स्क्वायर इक्वल, ये मल्टीप्लाई करते हैं 16 9 जा, वो जल्दी से किसी को आता है 16 9 जा 144 प्लस 25, हियर 459 426 और 1 एक्स स्क्वायर इक्वल, यहाँ से स्क्वायर रूट लेते हैं तो एक्स इक्वल हो जाएगा रूट 169। याद होगा 13 का स्क्वायर कितना होता है 13 स्क्वायर इक्वल टू 169 13 स्क्वायर, तो यहाँ कितना आएगा 13, तो एक्स इक्वल टू 13, दिस इज अवर थर्ड आंसर फोर्थ आंसर। नाउ द नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन 8th, अगेन सॉल्व फॉर द एक्स, 8th पार्ट वन लॉग 81 होल अपान लॉग 27 इक्वल्स टू एक्स, ये हम लोग क्या करते हैं इन दोनों 81 को ले सकते हैं, जरा बताना 81 इक्वल होता है 3 पावर 4 एंड 27 इक्वल होता है 3 पावर 3, फैक्टराइज करने के बाद ये पावर्स बना सकते हैं, ठीक है ना। 81 को ले सकते हैं 81 इक्वल होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 या 9 9 3 या 27 27 3 या 81, सो 81 इक्वल टू 3 पावर 4, सिमिलरली 27 इक्वल टू 3 पावर 3। इन दोनों को क्या करते हैं इस पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं, यहाँ लिखेंगे लॉग 81 को लिखेंगे 3 पावर 4 एंड यहाँ 27 को लिखेंगे 3 पावर 3 इक्वल टू क्या रहेगा x। अभी फार्मूला पढ़ा था हम लोगों ने log m रेज़ टू द पावर n, तो पावर कहाँ जाती है log से बाहर, स्टार्ट में लिख देते हैं, यहाँ लिखा जाएगा n log m, पावर्स को log से पहले लिख देते हैं, तो यहाँ भी यूज करेंगे ये 4 इससे पहले आ जाएगा 3 भी इससे पहले आ जाएगा, तो ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा 4 log 3 डिवाइडेड बाई 3 log 3 इक्वल टू x, ये दोनों इक्वल हैं log 3 log 3 कैंसिल आउट, यहाँ क्या बचा है 4y3 इक्वल टू x, दिस इज अवर 8th फर्स्ट आंसर। नाउ दिस इज अवर 8th सेकेंड पार्ट log 128 बाई log 32 इक्वल्स टू x, यहाँ भी सेम करना 128 इक्वल लिख सकते हैं 2 की पावर 7 एंड 32 इक्वल होता है 2 की पावर 5, ये तो फैक्टराइजेशन करने के बाद अब सभी लोग फाइंड कर सकते हैं, जैसे हम लोग ये कर लेते हैं 128 को ये ले सकते हैं 32 इंटू 2 इंटू 2, 32 2 जा होता है 64 टू जा होता है 128 और 34 होता है 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 ये हो गया, पावर एक यहाँ है पावर एक यहाँ है, तो पावर 5 ये थी 6 यहाँ 7 यहाँ, टोटल कितना हो गया 2 की पावर 7, सो 128 इक्वल होता है 2 की पावर 7 एंड 32 इक्वल टू होता है 2 की पावर 5, बस यही लिखना था यहाँ, इसके बाद आंसर आ जाएगा log 128 को लिखेंगे 2 की पावर 7 अपॉन log 2 की पावर 5 इक्वल में ये रहेगा x, पावर से यहाँ भी बाहर से आ जाएंगे बाहर आ जाएंगी, तो ये फर्स्ट बन जाएगा 7 log 2 डिवाइडेड बाई 5 log 2 इक्वल एक्स, यहाँ भी दोनों कैंसिल आउट हो गए, कितना बचा है 7/5 इक्वल्स टू एक्स। नाउ दिस इज अवर थर्ड पार्ट ऑफ 8th क्वेश्चन log 64 बाई log 8 इक्वल टू एक्स, यहाँ देखना यहाँ 64 है और यहाँ पर 8 है, 64 को बेस 8 में कन्वर्ट कर सकते हैं इस टाइप से, 64 इक्वल हो जाता है 8 स्क्वायर, सो वी कैन राइट हेयर log 8 स्क्वायर बाई log 8 इक्वल log x, यहाँ पावर स्टार्ट में आ जाएगी, ये बन जाएगा 2 log 8 by log 8 इक्वल में हो जाएगा ये x, यहाँ log 8 से log 8 कैंसिल आउट हो गया, 2 बचता है 2 इक्वल log x, इसे ऐसे भी ले सकते हैं log
ax इक्वल टू, दिस कैन बी रिटन एज log x इक्वल टू, यहाँ पता है पहले से ही बेस कुछ नहीं है तो बेस को 10 ले सकते हैं। अब यहाँ हम लोग को बस log रिमूव करना, ये हो जाएगा 10 स्क्वायर इक्वल x। रिमूव करने के लिए फिर से देख लेते हैं एक बार, log a बेस b इक्वल c अगर लिखा होता है तो बेस वहीं रहेगा, c इधर आएगा, a इधर जाएगा, तो c ऐसे ये बन जाएगा। यहाँ 10 वहीं रहा था, पावर में 2 आएगा, इक्वल में x जाएगा, तो ये हो गया था 100 इक्वल x। दिस इज अवर लास्ट पार्ट ऑफ 8th क्वेश्चन, log 225 बाई log 15 इक्वल्स log x। वी नो दैट 15 स्क्वायर इक्वल टू 225, ठीक है ना, तो सभी लोग जानते हैं 15 स्क्वायर इक्वल टू 225। तो यहाँ ये 15 था, यहाँ 225 है, हम लोग क्या करेंगे इसे 15 के बेस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो क्वेश्चन अजीब बन जाएगा। 225 की जगह पर लिखेंगे log 15 स्क्वायर डिवाइडेड बाई log 15 इक्वल्स रहेगा यहाँ log x, ये पावर फिर से बाहर आ जाएगी, तो पावर को 2 पाई लिख देते हैं, ये हो जाएगा log 15 बाई log 15 इक्वल्स टू log x, log 15 log 15 कैंसिल आउट हो गया, ये सिर्फ 2 बचा हुआ है, तो ये हो जाएगा 2 इक्वल्स टू log x। सिमिलरली फिर से ऐसे इस टाइप से भी ले सकते हैं log x इक्वल टू, यहाँ फिर से वही क्वेश्चन बन गया लास्ट क्वेश्चन थर्ड के जैसा, यहाँ बेस कुछ तो है नहीं तो बेस को 10 ले सकते हैं, ये बेस 10, फिर से log रिमूव करते हैं, फिर ये 2 पावर में आएगा, x इधर जाएगा log रिमूव करने के लिए, तो 2 पावर में आएगा, x इस साइड आ जाएगा, तो 100 इक्वल टू x और x इक्वल टू 100। ये पार्ट 4 का आंसर था, ये एक्सरसाइज 8B थी, 8B में यही तक के क्वेश्चन थे, 8C नेक्स्ट डे फिर से कंटिन्यू करें, तब तक इतना रिवीजन करें और इसे अच्छे से प्रिपेयर करें। ओके, थैंक यू, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।